पंजाब हमारा जज्बा है, पंजाब हमारा जज्बा है, यही हमारी शान है, यही हमारी शान है, पंजाब हमारी इज्जत है, पंजाब हमारी इज्जत है, यही हमारा साथ है, यही हमारा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में हिजाब मामला दब गया था, लेकिन धीरे धीरे ये मामला फिर से वापस आने लगा है, जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उसके बाद भी ये संघी मुस्लिम छात्रों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उसके आज हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिसे शेयर करते हुए अनडिफेटेड फेथ ने लिखा, ये गुंडागर्दी हुआ मुगत हुल्ली में सरकारी कॉलेज चिकमंगलुरु। स्थानीय पंचायत सदस्य थे मधु और उनके भाई कुख्यात। मनोहर ने बिना अनुमति के कॉलेज में प्रवेश किया और कॉलेज के कर्मचारियों की उपस्थिति में हिजाब नहीं हटाने पर छात्रों को कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया और लगातार कई वीडियो भी शेयर किए, जिसमें ये संघियों का काला चेहरा सामने आ रहा है। दूसरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पुरुष छात्र ने इस गुंडागर्दी पर सवाल उठाने का साहस दिखाया और उन्हें कॉलेज के अंदर इन शरारती तत्वों को करने से रोकने की कोशिश की। मनोहर ने उन्हें धमकी दी और उनकी ओर भागते हुए देखा गया। अब आप इस वीडियो को भी देखिए दोस्तों। ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಗುಂಡ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನನ್ ನಿನ್ ಕರ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ಯಾರು ಕರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಸುಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗುಂಡ ತರ ಹೇಳೋದು ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ಲೇಬೇಕು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ನೀನ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನರ ಇದೆಯಾ ನೀನ್ ಮಾಡು ನನ್ ಮುಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನರ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳಾರೆ ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದ ಮಾಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ಬಾ ನೀನು ನಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಬಾ ಮರೆ ಅವನು ಬಿಡ ನಮ್ದೇ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಓದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ದಿನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ ಚಳಿತೆ ಮಾತು ಬಿಡು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳಾರೆ ಉಳಿದಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮಾ ಉಸ್ಕೋ ಮಾಡಿ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಿ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಇದಾಗದ್ ಬೇಡ यही नहीं, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अब आप एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए, दुर्भाग्य से किसी भी कॉलेज के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है या इन बकवासों को रोकने की कोशिश भी नहीं की है। छात्र अपनी पढ़ाई खराब न करने का अनुरोध कर रहे थे, क्योंकि तैयारी परीक्षा के लिए केवल एक सप्ताह बचा था। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್
ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೂರಿ ಅಂತ. तो देखा आपने दोस्तों, ये संघी अभी भी मुस्लिम महिलाओं के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, जिसका सबूत हमने आपको दिखाया. वहीं मुस्लिम छात्रों ने भी ठान लिया है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है. उन्होंने भी अब फिर से इन संघियों के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया है, जिसका वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं. ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए. इस वीडियो को अशरफ हुसैन ने शेयर किया है. तो देखा आपने, ये छात्राएं लगातार अपने हक के लिए लड़ रही हैं. शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा, हमारे गणतंत्र की सबसे स्थायी और सबसे हानिकारक विफलता हो सकती है. कभी कभी ये दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी शिक्षा को महत्व नहीं देते, क्योंकि उन्हें स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं थी, कि उनकी कड़ी मेहनत की सरकार है, हार्वर्ड की नहीं. इस दावे का इस्तेमाल मानव संसाधन विकास मंत्री की उनकी पिछली पसंद केंद्रीय शिक्षा फीडिंग बढ़ाने की उनकी अनिच्छा और कोविड-19 से लड़ने की वेदी पर छात्रों के हितों का बलिदान करने की उनकी विशिष्ट इच्छा को समझाने के लिए किया जाता है. इस खबर में सिर्फ इतना ही. वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express.